कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आंदोलनकारी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और संसद में कानून की वापसी MSP की गारंटी वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर हाल ही में अपने आप को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत का बयान भी आया है जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा है। अपने बयान में किसान नेता ने कहा कि असली आंदोलन तो अब शुरू होगा। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव में अपनी भूमिका व सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बातचीत की है। दरअसल राकेश टिकैत से इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने सवाल किया, चुनाव को लेकर आप इतना असमंजस में क्यों हैं? आपने इतने आंदोलन देखे हैं, आंदोलन से तो आपको चुनाव की ओर निकलना चाहिए, आपके पास यूपी चुनाव है, विकल्प भी बेहतर है। उनका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, निकल जाए जिसे निकलना है, हम तो सड़क के विकल्प है। भाजपा के खिलाफ प्रचार करने की बात पर राकेश टिकैत ने कहा, कौन कह रहा है कि हम इनके खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे, अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम प्रचार करेंगे। राकेश टिकैत से इंटरव्यू के बीच रिपोर्टर ने सवाल किया, योगी जी से आपकी क्या दुश्मनी है, कानून तो केंद्र सरकार लेकर आई थी। इसका जवाब देते हुए टिकैत ने कहा, अरे मामा फूफी है ये सारे, एक ही तो कुणबा है इनका। भाकियों नेता की बात पर रिपोर्टर ने पूछा, लेकिन योगी जी ने तो लखनऊ में आप लोगों का बहुत अच्छा स्वागत किया था। इस बात का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, सब स्वागत ही है। इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा, सरकार जाल बुन रही है, ये बहुत ही जाली सरकार है, सीधा नहीं जाती है। यूपी चुनाव पर अपना स्टैंड बताते हुए उन्होंने कहा, उस वक्त स्टैंड बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे में दोस्तों राकेश टिकैत के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं, साथ ही किसान आंदोलन जो अब जारी रहने वाला है इस पर भी अपना विचार जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।